স্টুডিওত মনস্মিতা মস্কোত প্রবাসী ভারতীয় সম্বোধন করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীরে আছিলে যোৱা প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে আজি মস্কোত প্রবাসী ভারতীয় সকল সাক্ষাৎ কৰি সম্বোধন কৰিছে বুলি সম্প্রচাৰ কৰিছে ইকনমি কি গ্রোথ মে 15% ভাৰত কন্ট্ৰিবিউট কৰ ৰহি হে আনে ৱালে সময় মে इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। साथियों मुझे खुशी है बस यही प्यार जो है ना दोस्तों जब देशवासियों के साथ दूरी का अवकाश ही न हो जो सोच लीडर के मन में चलती है वही सोच जब जन मन में होती है ना तो अपार ऊर्जा जनरेट हो जाती है दोस्त और यही मैं देख रहा हूं यहां पर। साथियों मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से अपनी ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भरोसेमंद दोस्त हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है गर्मजोशी बनी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था
सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो लेकिन सेंटिमेंट्स एवर ग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया, भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की भी सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं छठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज बड़ी संख्या में हमारे नौजवान रशिया में पढ़ाई के लिए आते हैं। मुझे बताया गया है कि यहां अलग अलग राज्यों की एसोसिएशन भी है, इससे हर राज्यों के त्योहारों, खान पान, भाषा, बोली, गीत संगीत की विविधता भी यहां बनी रहती है। गुवाहाटी होम्योपैथी